गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे हैं। मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी हूं। आज मैं बात करूंगा चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग की और हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन। ध्यान देना, यहां पर मैं डिटेल के अंदर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये हम ऑलरेडी क्लास के अंदर कर चुके हैं। यहां पर हम करेंगे क्विक रिवीजन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चैप्टर आपका सीए इंटर में भी है, सीएमए इंटर में भी है और सीए आईपीसीसी में भी है कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर। ये जो पीडीएफ फाइल आपको पीपीटी के रूप में दिख रही है, यह पीडीएफ फाइल यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डलेगी। वहां से इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इस चैप्टर की खास बात क्या है, यह चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब भी आपको डिसीजन लेना हो फिक्स कॉस्ट को आप इग्नोर कर दो। डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए कंसीडर करेंगे, हां। डिसीजन मेकिंग के लिए इग्नोर करेंगे, हाँ। इस बारे में डिटेल्ड बात हमें क्लास के अंदर करी है। आगे बढ़ते हैं क्विक रिवीजन की तरीके से। सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालना होता है हमें, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालने के चार फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला नंबर 2, टोटल कंट्रीब्यूशन को निकालने का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला 1 और 2 में क्या फर्क है, फॉर्मूला 1 निकालता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेसिस पर और फॉर्मूला 2 निकालता है कंट्रीब्यूशन टोटलिटी बेसिस पर, टोटल अमाउंट के अंदर। फॉर्मूला नंबर 3, कंट्रीब्यूशन को निकालने का एक और फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला नंबर 4, कंट्रीब्यूशन को निकालने का एक और फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। ध्यान दीजिए, इन फॉर्मूले के डेरिवेशन क्लास के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर हम कर रहे हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर मेन चीज क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इसे माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आ जाता है प्रॉफिट। ये एक बेसिक और स्टार इक्वेशन है इस चैप्टर की। ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो ये चैप्टर आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैसे निकलता है, सिंपल, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हमेशा हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इस चैप्टर के अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कहूं या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कहूं, शॉर्ट में पीवी रेशो कहूं, बात एक ही है। बस इस चैप्टर के क्वेश्चंस के अंदर और इस चैप्टर के अंदर हम नॉर्मली पीवी रेशो के नाम से इसको पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 5, देखिए पीवी रेशो बराबर क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैं अगर कंट्रीब्यूशन निकालूं क्या बन जाएगा, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। तो कंट्रीब्यूशन को निकालने का हमें एक और फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला नंबर 5। अब देखिए पीवी रेशो बराबर क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कॉस्ट। तो हमने कंट्रीब्यूशन के बदले उन फॉर्मूलों को रख दिया तो हमें पीवी रेशो को निकालने के अलग अलग फॉर्मूले मिल गए। तो इस प्रकार से पीवी रेशो को निकालने के भी मल्टीपल फॉर्मूले हैं। अच्छा, पीवी रेशो क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ये रेशो क्या इंडिकेट करता है कि हम जब सेल करेंगे तो कितनी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। ध्यान देना, नाम है प्रॉफिट लेकिन बताता क्या है, कंट्रीब्यूशन के बारे में। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में कवर्ड है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ये क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, इसे प्यार से क्या बोलते हैं हम, नो लॉस सेल्स या इसी को बोलते हैं सर्वाइवल सेल्स। जब एक कंपनी की शुरुआत होती है, कंपनी के अंदर प्रोडक्ट को बेचने का सिलसिला जारी होता है तो हर कंपनी के मालिक को एक टेंशन रहती है, यार नुकसान ना हो जाए। तो उस नुकसान से बचने के लिए कंपनी का मालिक यह जानना चाहता है कि भाई कितनी सेल मिनिमम करनी होगी कि नुकसान ना हो। इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स टेक्निकल शब्दों में। इसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, सर्वाइवल सेल्स। जैसे एग्जाम में जब आप बैठते हैं आपके मन में क्या होता है, सबसे पहले यह बता दो सर्वाइवल मार्क्स कितने हैं। एग्जामिनेशन आएगी नहीं आएगी उसकी बात करेंगे बाद में, रैंक आएगी नहीं आएगी बात करेंगे बाद में, पहले यह बताओ पास होने के मिनिमम मार्क्स कितने हैं। वही है ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को निकालने के दो फॉर्मूले हैं और इन दोनों फॉर्मूलों का डेरिवेशन मैंने क्लास में आपको बताया है। यहां पर हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन। चलिए जी, ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से निकालते हैं, एक यूनिट्स में और एक रुपीस में। यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को रुपीस में निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है पीवी रेशो। जब क्वेश्चन के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स दी हो तो कैसे निकालें, तो देखो पीवी रेशो बराबर होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन ने बोला ब्रेक इवन पॉइंट सेल, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल पर प्रॉफिट क्या होता है, जीरो, और सेल्स मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट तो जीरो है, फिक्स कॉस्ट, सेल्स है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट सेल, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये बन गया पीवी रेशियो को निकालने का फॉर्मूला जब क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स दे रखी हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर दो पीरियड के प्रॉफिट और दो पीरियड के सेल्स वॉल्यूम दी हो तो कैसे निकालें पीवी रेशो। इसका पूरा डेरिवेशन हमने क्लास के अंदर कवर किया है, यहां पर सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मतलब वो वाली सेल्स जो प्रॉफिट कमा के दे रही है। जब साल शुरू होता है सबसे पहले कंपनी करना चाहती है सर्वाइवल सेल्स। एक बार सर्वाइवल सेल कर ली, कंपनी को टेंशन मुक्त हो गई, कंपनी के एमडी को आराम मिला, उसे पता लगा इस साल नुकसान तो नहीं होने वाला, अब बात करो प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो अब वो जान लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के ऊपर। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल से ऊपर जितनी भी सेल्स होती है उसको हम आम भाषा में बोलते हैं वो वाली सेल जो पैसे बनाकर देगी, और टेक्निकल शब्दों में क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। यानी कि जब एग्जाम के अंदर आपने 50 नंबर श्योर कर ले कि 50 नंबर तो आ ही गए, तो ये 50 नंबर क्या है आपका सेफ्टी पॉइंट, उसके ऊपर जो भी आ रहा वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्क्स। चलिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को निकालने के दो तरीके हैं, यूनिट्स में निकालेंगे रुपीस में निकालेंगे। इसकी डेरिवेशन क्लास में कवर कर रखी है हमने कि आखिर ये फॉर्मूले बने कैसे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रुपीस में निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ध्यान देना, कंपनी जिस प्रकार से ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को मेजर करती है कि भैया कितनी सेल मिनिमम करनी ही होगी कि नुकसान ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो नुकसान ना हो, इसी प्रकार से कंपनी यह भी तय करती है कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स करनी पड़ेगी, कितनी एक्स्ट्रा सेल करनी पड़ेगी कि 2 लाख का प्रॉफिट हो, 4 लाख का प्रॉफिट हो, 10 लाख का प्रॉफिट हो, 10 करोड़ का प्रॉफिट हो। तो यह होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। चलिए जी, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेशो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रेशो, ध्यान देना यहां पर मैं रेशो की बात कर रहा हूं। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेशो प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रेशो हमेशा 100% के बराबर होता है। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन क्लास के अंदर ऑलरेडी हमने कवर की है क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब क्या है, अगर वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स आपकी 60% है, इसका मतलब है कि जब कंपनी 100 रुपए की सेल करती है तो 60 रुपए खर्च होता है उसका वेरिएबल कॉस्ट का, यानी 40 रुपए क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। चलिए जी, रिलेशन बिटवीन पीवी रेशो एंड वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो हमेशा 100% के बराबर होते हैं और इसकी कंप्लीट डेरिवेशन क्लास के अंदर हमने करी है। आगे बढ़ते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स लेवल टू और डिजायर्ड प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को निकालना सिखाया है, उन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, क्या बन जाएगा आपका इस साल में इतनी सेल्स करनी होगी ताकि इतना प्रॉफिट हो। तो फॉर्मूला क्या है, दो तरीके से निकालते हैं, एक यूनिट्स में एक रुपीस में। यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रुपीस में निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो ये है फॉर्मूला जिसकी मदद से निकालेंगे हम कि हमें कितनी सेल करनी चाहिए पूरे साल में ताकि हमें इतना प्रॉफिट हो। ध्यान देना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और रिक्वायर्ड सेल में फर्क क्या होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होती है सिर्फ एक्स्ट्रा वाली सेल, और यहां पर रिक्वायर्ड सेल में ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दोनों जुड़ी हुई होती है। सही बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, जिसे प्यार से कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। जब कंपनी के पास दो अलग अलग ऑप्शन होते हैं प्रोडक्शन को करने के, एक होता है लेबर ओरिएंटेड मेथड और एक होता है मशीन ओरिएंटेड मेथड, जिसे प्यार से हम कैपिटल इंटेंसिव वाला तरीका बोलते हैं। यानी कि एक तरीका वो जिसका इस्तेमाल करते हैं थोड़े कम पैसे वाले बिजनेसमैन, और एक तरीका वो जिसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादा पैसे वाले बिजनेसमैन। तो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जिस पर दोनों मेथड से आने वाली कॉस्ट क्या होगी बराबर, चाहे लेबर इंटेंसिव फॉलो करो चाहे कैपिटल इंटेंसिव फॉलो करो, इस लेवल पर दोनों मेथड में टोटल कॉस्ट बराबर आएगी। कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेथड चूज करें, कोई सा भी कर लो, दोनों में कॉस्ट है बराबर। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल कंपनी इस बात पे करती है कि हम कौन सा मेथड कंपनी में इंप्लीमेंट करें, लेबर ओरिएंटेड या कैपिटल ओरिएंटेड, और इसका दोनों का उद्देश्य क्या है कि कंपनी की टोटल कॉस्ट कम आए। टोटल कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूले की कंप्लीट डेरिवेशन क्लास के अंदर अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट के बेस पर कैसे एक कंपनी चूज करती है कि कौन सा मेथड कंपनी में इंप्लॉय करें, चालू करें। टारगेट हमारा क्या है कि हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो, लो। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन जो कंपनी करेगी या कर रही है कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के बराबर है, इसका मतलब है दोनों मेथड पे आने वाली कॉस्ट बराबर है। तो यहां पे हमने क्या बोला, एनी वन मेथड, कंपनी कोई भी मेथड चूज कर ले दोनों में कॉस्ट क्या आएगी बराबर। पॉइंट नंबर 2, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा निकाले गए कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट से कम है, ध्यान देना कंपनी प्रोडक्शन कम करती है कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है, तो कंपनी ऐसे में चूज करना चाहिए हाई वेरिएबल कॉस्ट वाले मेथड को। हाई वेरिएबल कॉस्ट वाला मेथड क्यों, याद करो कंपनी का प्रोडक्शन कम है तो कंपनी फिक्स कॉस्ट में अपना पैसा कम फंसाएगी क्योंकि कंपनी की मार्केट में मार्केट शेयर कम है, याद आया। थर्ड है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट से तो लो वेरिएबल कॉस्ट वाला मेथड कंपनी सिलेक्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं, मर्जर ऑफ टू डिपार्टमेंट और टू कंपनीज। जब एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट हो जो कि अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कंपनी ऐसे में कई बार निकालना चाहती है कंबाइंड पीवी रेशो, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज, कंबाइंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंबाइंड डिजायर्ड सेल्स, कंबाइंड प्रॉफिट एंड कंबाइंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। या फिर जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो कंपनी अब दोनों कंपनी को मिला के निकालना चाहती है कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, कंबाइंड पीवी रेशो। तो जब क्वेश्चन इस प्रकार का हो तो कैसे निकालें, बड़ा सिंपल है, दो स्टेप है। स्टेप नंबर 1, पहले क्या बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन सभी कंपनी की एट 100% कैपेसिटी लेवल। स्टेप नंबर 2, सारी फिगर्स को ऐड कर देंगे, सेल निकाल लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे और कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। ध्यान देना कंपनी कोई नई खरीदी है तो उस केस में कुछ एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, उसको भी ऐड कर लेंगे। ये काम कर लेने के बाद ये 5 फॉर्मूले लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, कंबाइंड पीवी रेशो, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंबाइंड डिजायर्ड सेल एंड कंबाइंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फॉर्मूले वही सेम है, बस यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों डिपार्टमेंट के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे, दोनों डिपार्टमेंट के फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे, समझ गए, दोनों डिपार्टमेंट के फिक्स कॉस्ट पर दोनों डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और इस प्रकार से निकालेंगे, यानी सबको मर्ज कर दिया, ऐड कर दिया। फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो पहले बताया, ब्रेक इवन का, पीवी रेशो का, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डिजायर्ड लेवल फॉर्मूला सेम रहेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट। देखो अभी मैंने निकालना सीखा ब्रेक इवन पॉइंट सेल और एक होता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट सेल। ये क्या होता है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट सेल होती है वो मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स जिस पर कंपनी अपनी वो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी कर ले जो इस साल खर्च हो रहे हैं। यानी इस साल कंपनी ने कोई नया पावर प्लांट खरीदा है, कोई नई मशीन खरीदी, नया इक्विपमेंट खरीदा, तो ऐसे में कंपनी ये निकालना चाहती है कि कितनी सेल्स मिनिमम करनी पड़ेगी ताकि जो पैसा हमारा उस प्लांट को खरीदने में लगेगा, फिक्स कॉस्ट में लगेगा, उसकी हम रिकवरी कर लें, उसको हम रिकवर कर लें। वही दो तरीके, यूनिट्स में निकालो, रुपीज में निकालो। यहां पर पहले वहां था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहां पर हो गया कैश फिक्स कॉस्ट, बस। वहां पे था फिक्स कॉस्ट जो है पीवी रेशो, यहां पे क्या हो गया, कैश फिक्स कॉस्ट, वही सेम फार्मूला। तो देखो कैश फिक्स कॉस्ट को निकालने का फार्मूला क्या है, बड़ा सिंपल है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस नॉन फिक्स कॉस्ट, नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। नॉन कैश मतलब वो फिक्स कॉस्ट जिसके अंदर आपके पैसे जा नहीं रहे, आपने रोक लिए, जैसे कि डेप्रीसिएशन। तो जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट में से उस फिक्स कॉस्ट वाले खर्चे को माइनस कर दोगे जिसके लिए पेमेंट आप इस साल नहीं कर रहे, तो आने वाली फिगर को हम क्या बोलेंगे, कैश फिक्स कॉस्ट, और उसका इस्तेमाल करेंगे कैश ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने में। चलिए जी अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट। जब एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रही होती है और वो सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही पैकेट में डाल के बेचती है, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, कोई कंपनी बोलती है ब्रेड एंड बटर दोनों को एक ही पैकेट में बनाकर बेचेंगे, तो ऐसे में कंपनी क्या निकालना चाहती है, उस पैकेट का ब्रेक इवन पॉइंट, पैकेट के अंदर जो आइटम्स है उनका ब्रेक इवन पॉइंट। तो करना क्या है, हमें पहले पूरे पैकेट का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पैकेट, और उसके बाद उस ब्रेक इवन पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे विद नंबर ऑफ यूनिट्स जो ब्रेक पैकेट के अंदर अवेलेबल है। ठीक बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। शट डाउन पॉइंट। एक कंपनी बनाती है मल्टीपल प्रोडक्ट और कभी कभी ऐसा होता है कोई एक प्रोडक्ट कंपनी की झोली में नुकसान डाल रहा है, तो कंपनी सोच रही है उसे कंटिन्यू रखें या डिसकंटिन्यू कर दें, यानी उसे बनाना बंद कर दें, क्या, शट डाउन पॉइंट। तो आखिर कैसे डिसीजन लें कि क्या एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दें या कंटिन्यू करें, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने क्लास के अंदर आपको बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया था, यहां पर हम कर रहे हैं क्विक रिविजन। तो देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट कंपनी को लॉस दे रहा होता है तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, उस प्रोडक्ट पे होने वाले फिक्स कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक है अनअवॉइडेबल और एक है अवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब वो फिक्स कॉस्ट जो खर्च होनी ही होनी है, चाहे इसको बनाना बंद करो या बनाते रहो, अनअवॉइडेबल। एक होती है अवॉइडेबल, यानी प्रोडक्शन को रोक कर आप फिक्स कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो। तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, फिर कंपनी निकालती है शट डाउन पॉइंट सेल्स। इसको निकालने के भी दो तरीके हैं, यूनिट्स में निकाल लो, रुपीज में निकाल लो। फॉर्मूला क्या, यूनिट्स का अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपीज में निकालने का अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। तो ये निकाल लिया हमने शट डाउन पॉइंट सेल्स। तो कंपनी इसका इस्तेमाल करती है डिसीजन लेने के अंदर कि एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को बनाते रहें या डिसकंटिन्यू कर दें। कई बार लॉस होने के बावजूद भी उस प्रोडक्ट को बनाते रहना फायदेमंद होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में तो क्लास के अंदर बात करी थी, रिवीजन में बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ रेंज टाइप फिक्स कॉस्ट। कभी कभी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो आपकी होगी वो रेंज के अंदर बढ़ रही होगी। फॉर एग्जांपल इफ फिक्स कॉस्ट इज ₹1000 फॉर एवरी नेक्स्ट 50 यूनिट्स, यानी कि कंपनी जैसे ही 50 यूनिट की रेंज में जाएगी ₹1000 बढ़ जाएंगे। ये क्या है? रेंज टाइप फिक्स कॉस्ट। मतलब 1 से 50 के बीच बनाओ तब भी 1000, 58 यानी सेकंड रेंज, 51 से 100 तो 2000, फिर रेंज बढ़ी 3000। तो जब फिक्स कॉस्ट हो रेंज में बढ़ने वाली तो उस केस में कैसे निकालें ब्रेक इवन पॉइंट? तो देखिए तरीका क्या है, हर रेंज के लिए क्या निकालें ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स उस रेंज के अंदर फॉल करती है तो ये क्या है? वैलिड, अदरवाइज क्या है? इनवैलिड। बड़ा ही सिंपल है ये वाला कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग की, जहां पर हम निकालते हैं इनकम एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच एंड एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। देखिए इन दोनों अप्रोच के बारे में बहुत डिटेल के अंदर क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलती है? डिसीजन मेकिंग के लिए फिक्स कॉस्ट बेकार है, इग्नोर करो, बट प्रॉफिट निकालने के लिए कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये रही आपकी इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। ये पूरा फॉर्मेट आपको समझाया हुआ है 1 by 1। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? क्विक रिविजन। हमने क्या करा? सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक निकाल दिया हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसको हमने माइनस कर दिया सेल में। तो क्या आ गया हमारे पास? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट, क्या आ गया? प्रॉफिट। ये क्या है हमारी? ये हमारा पूरा मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन पर बेस्ड है, पूरी की पूरी मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से कैसे निकालते हैं हम इनकम। ये पूरा फॉर्मेट है। उसके बाद ये रहा आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहां पर क्या करते हैं? यहां पर हम वेरिएबल तो लेते हैं, साथ में यहीं पर हम फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब को भी ऐड करते हैं, और क्या निकालते हैं हम? आखिरी में निकालना है प्रॉफिट। और यहां पर खास तौर पे क्या आता है? अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। तो ये फॉर्मेट किसका है? वाइल कैलकुलेटिंग इनकम एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट आपको डिटेल के अंदर कैसे बताया हुआ है मैंने, आपको बस इस फॉर्मेट को वहां पे चिपकाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिगर को डालते जाना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, उसको रिकंसाइल करो। तो रिकंसाइल करने का फॉर्मेट भी, और साथ में आपको एक डीसीपी अप्रोच मैंने बताई हुई है। ये डीसीपी अप्रोच आप समझ पाएंगे अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। डीसीपी अप्रोच एक तरीका है जिसकी मदद से आप आसानी से प्रॉफिट को रिकंसाइल कर सकते हैं। तो यहां पर हमने कर दिया एक क्विक रिविजन मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का। यह पीडीएफ फाइल आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और फिर भी किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट रह जाए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। आपके हर कमेंट को मैं देख रहा हूं और उसका प्रॉपर रिप्लाई करने की भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।